उठो चराग उठाओ, ये आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ, ये एक राह बनाए। उतारो पांव से मेहंदी की ये पांव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पांव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। अरे थोड़ी तरकारी तो डाल, कब से खाली है उसकी थाली। जी अम्मा। छोले भी दे थोड़े। छोले 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 डाल। गिलास खाली रखा है, उसमें पानी डाल दे। सब कुछ बताना पड़ता है तुझे। क्या बात क्या अम्मा, आप दोनों बहुत परेशान लग रहे हो आज। कोई परेशानी नहीं, तू खा चुपचाप। अरे हुआ क्या, बताओ तो सही। तुमने कुछ कहा क्या अम्मा को? मैं क्या। देख बेटा, नाराज तो मैं हूँ, पर मुझे मालूम है कहने सुनने से कोई फायदा नहीं, ये मैं जानती हूँ। अरे कैसे नहीं होगा अम्मा, बोलो तो सही, बताओ तो सही क्या हुआ। देखो अम्मा बोलो, नहीं तो मैं भी ये खाना नहीं खाने वाला। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। ये बहू का इस तरह सबके सामने नाचना मुझे अच्छा नहीं लगा। और वो क्या कह रहे थे, शहर में कोई प्रतियोगिता होने वाली है। ना बाबा ना, हमने नहीं नचवाना अपनी बहू को सारी दुनिया के सामने। कैसी बातें कर रही हो अम्मा, ये नाच तो कला है। और अम्मा ये जो शहर में हो रहा है ना, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। हाँ हाँ, इज्जत गवाने के मौके भी बार बार नहीं आते। दो कौड़ी की रह जाएगी हमारी इज्जत, लोग कहेंगे बहू नहीं भांड ब्याह के लाए। क्या बोल रही हो अम्मा। अम्मा मैंने आपको कहा ना कि ये नाच नृत्य ये कला है, बरसों से चली आ रही परंपरा है। और अम्मा भरत मुनि ने तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा ग्रंथ भी लिखा है, नाट्यशास्त्र। बरसों की लगन और कड़ी मेहनत लगती है इसे सीखने में, और आप दिव्या की कला के लिए ऐसी बातें कर रही हो। नहीं अम्मा। और हाँ अम्मा, ये इज्जत ये आबरू ये लोग क्या कहेंगे, इन सबसे डरकर कोई अपनी कला अपने हुनर अपनी इच्छाएं अपनी सपने इनको रौन तो नहीं सकता ना। कुछ हासिल करने के लिए आदमी को इन सबसे किनारा करना ही पड़ता है। देख मैं ये सब कुछ नहीं जानती, तालाब में रहकर मगर से बैर नहीं कर सकते। हम इसी गांव में रहते हैं, इस गांव के नियम कायदे कानून को मानना ही पड़ेगा। और हाँ, अब तुम दोनों अपने परिवार को आगे बढ़ाने की बात सोचो। तो लोग भी पूछने लगे दिव्या खुशखबरी कब सुना रही है। चाची तेरे आंगन में गोद भराई कब होगी, और तुम दोनों हो कि नौटंकी तमाशे में लगे हो। कुछ तय किया बरदायनी से कब मिलना है? कल मुलाकात की जा सकती है, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? तुम्हें मालूम है रतूल, बरदायनों पर मुझे भरोसा नहीं है। तो कहां मिलना है ये मैं तय करूंगा। कुछ
तय किया? उससे कहो कि तुम्हारे फार्म हाउस पर मिलना होगा, अकेले बिना किसी पालतू जानवर के। मुश्किल है, परदाइनों की परछाई उसका साथ छोड़ सकती है, लेकिन वो नहीं। बरदाइनु कभी भी मेरे घर अकेला नहीं आएगा। तुम जानते हो रथोड़ी, मुझे फालतू बात करने की आदत नहीं है। बरदाइनु को कहो कि अगर वो मुझसे मिलना चाहता है तो उसे तुम्हारे घर आना होगा, अकेले। रखता हूं। हेलो हेलो, बहुत होशियार आदमी है, शायद हमारे इरादे भी जानता है, लेकिन ताज्जुब है रतूड़ी, तुम पर उसको कभी शक नहीं हुआ। पक्का यकीन करता है तुम पर? बड़े घर का यकीन मैंने बरसों निभाया है बरदयानी साहब, पर हश्र तो देख ही रहे हैं ना। नमक हलाली का मोल अब दाल रोटी में नहीं है रतूड़ी, मुंह मांगी कीमत में है। बड़े साहब से मैंने जो भी मांगा मुझे उससे ज्यादा ही मिला, पर अभी के आने के बाद सब कुछ बदल गया है। दिन बिगड़ते हैं रतूड़ी तो दिन पलटते भी हैं, दिन पलटेंगे, सब्र करो सब्र। अभिमन्यु से क्या कहना है? तुम्हारा फार्म हाउस मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोस्त के घर अकेले आने में कोई बुराई तो नहीं है रतूड़ी, अभी की मौत का जश्न हम तुम्हारे फार्म हाउस पर मनाएंगे रतूड़ी। कह दो उससे हमें उसकी शर्त मंजूर है। विद्या जीजी, जरा चख के तो बताओ कैसा बना है। ये क्या है चाची? सिर्फ तेरे और जीजी के लिए बेसन का हलवा। वाह, बेसन का हलवा, बहुत दिनों से खाने का मन था। आंगनवाड़ी में बिजली लाकर विद्या ने जो करिश्मा दिखाया है ना जीजी, ये उसके लिए है। अरे माँ, तुम भी तो खाकर देखो, मजा आ जाएगा। और चाची, तुम्हारे हाथों में तो जादू है जादू। अच्छा जी, और मैंने ऐसा क्या करिश्मा दिखाया जो मुझे भी हलवा? जी जी, आपने तो सबसे बड़ा करिश्मा दिखाया है, अपनी बेटी को इतना काबिल बनाकर। बिल्कुल सही चाची, मेरी माँ तो सबसे अच्छी है। और अगर सबको मेरी माँ जैसी माँ मिल जाए ना, तो बस फिर तो कमाल ही हो जाएगा। सच विद्या, काश मेरी माँ भी ऐसी होती, बहुत ही कम उम्र में ही मेरी शादी कर दी। पढ़ने लिखने का बहुत शौक था मुझे, लेखक या टीचर बनना चाहती थी मैं। तुझे पता है विद्या, कांता को लिखने का बड़ा शौक है, और मैंने तो पढ़ना लिखना भी इसी से सीखा था। अरे वाह चाची, तो अब भी लिखा करो ना कहानियां और बन जाओ टीचर। माँ, गांव में लड़कियों के स्कूल की छुट्टियों के दिनों में उन्हें कोई पढ़ाने वाला चाहिए,
तो कांता चाची ये काम अच्छे से कर सकती है ना? हाँ बिल्कुल सही, मैं कल ही मास्टर जी से बात करती हूँ। तो मैं भी सिद्ध भैया से बात कर लूंगी। वो क्यों? अरे सिद्ध भैया ठहरे पत्रकार, उनके अखबार में तो रोज ही कहानियां छपती है, वो कांता चाची की कहानियां छपवाने में भी जरूर मदद करेंगे। मैं आज ही सिद्ध भैया को चिट्ठी लिख दूंगी और सिद्ध भैया से ये क्या सिरसत लगा रखी है हुँ? कभी तो कुछ काम कर लिया करो। जब देखो पटर 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 पटर